नमस्कार दोस्तों, और आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, और यदि इस टॉपिक को यदि हम कहें कि पोएट्री में यदि इस टॉपिक का नाम नहीं आए तो हमें लगता है कि पोएट्री इसके बिना अधूरा है। तो पोएट्री में जो सबसे फेमस काइंड ऑफ पोएट्री देखने को मिलता है दोस्तों, वो होता है एक स्पेशल काइंड की पोएट्री होती है जिसकी कुछ रूल्स होते हैं, और ऐसी काइंड ऑफ पोएट्री जो 40 लाइंस की आयंबिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। तो यह जो होता है इस तरह की पोएट्री को हम जो टर्म दिया गया है वो है सोनेट। तो काफी चीज जानने को हमें मिलेगा कि सोनेट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सोनेट जो है, पहले इसको हम लोग डिराइवेशन पर बात करेंगे कि जो सोनेट होता है दोस्तों, ये एक इटालियन वर्ड सोनेटो से आया है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, इस वर्ड की जो सोनेट वर्ड डिराइव हुआ है एक इटालियन वर्ड सोनेटो, सोनेटो। ठीक है दोस्तों, ये जो सोनेटो है कौन सा वर्ड है, इटालियन, इटालियन वर्ड है। ठीक है ना, तो जो इटालियन वर्ड सोनेटो है इसका मतलब होता क्या है, ए स्मॉल सॉन्ग, ए स्मॉल ऑर्नेटिंग सॉन्ग और लिरिक। अब यहां पर एक टर्म और जानने को मिलेगा, ठीक है, कि जो लिरिक क्या होता है, तो लिरिक भी एक तरह की पोएट्री होती है। ठीक है, वैसे पोएट्री लिरिक कहलाती है जिसको हम गिटार के थ्रू गा सकते हैं। द काइंड ऑफ पोएट्री दैट कैन बी सम विद द हेल्प ऑफ ए गिटार दैट इज कॉल्ड लिरिक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सोनेट एक तरह की लिरिक होगा, और जहां पर लिरिक इस्तेमाल होगा वहां पर रिदम भी ऑटोमेटिक ही क्रिएट होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो सोनेट है इटालियन वर्ड सोनेटो से आया। ठीक, ये होता क्या है हमारा, तो हम लोग कहते हैं सोनेट वर्ड को कि ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली जो ट्रेडिशनली है सोनेट इज द 14 लाइंस पोएम। मेंशन करते चलते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, तो मेंशन कर सकते हैं ऐसे डिफिनेशन को जैसा मैंने बताया था कि सोनेट इज अ 14 लाइंस पोएम। ठीक है, 14 लाइंस पोएम। आप पहले एक आइडिया याद करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सोनेट, तो इतना हमको पता चल गया कि सोनेट 14 लाइंस की एक कविता होती है। अब हम कुछ इसके फीचर्स की बात करेंगे, ये जो 40 लाइंस की पोयम होती है ये लिखे कैसे जाती है, तो रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है दोस्तों, आयम्बिक पेंटामीटर। अब दूसरा टर्म हमको समझना है, सोनेट पहले जाना 40 लाइंस की कविता होती है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। अब हमें टर्म समझना है कि आयम्बिक क्या होता है। दोस्तों मैं आप इसको थोड़ा सा समझाता हूं, आयम्बिक क्या होता है। ठीक है, तो आयम्बिक क्या होता है, आयम से बना है। ठीक है, आयम, तो हमने पढ़ा था कि वर्ड्स दो तरह के हमने पढ़ा था, एक वर्ड्स को हमने बताया होगा अस्ट्रेस्ड वर्ड्स, अस्ट्रेस्ड वर्ड्स और अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स। ठीक है, एक पहले इस तरह हमें जानना है। अब जो अस्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड होता है, इसमें यानी कोई भी वर्ड में है जिसमें से कोई अस्ट्रेस्ड सिलेबस होता है और कोई पार्ट अनस्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, तो कोई जब हमारा अस्ट्रेस्ड सिलेबस, जी नहीं, अनस्ट्रेस्ड सिलेबस दोस्तों अस्ट्रेस्ड सिलेबस के द्वारा फॉलो किया जाता है। फिर से, जब अनस्ट्रेस्ड सिलेबस अस्ट्रेस्ड के द्वारा फॉलो किया जाता है तो यहां पर बनता है आयम्बिक। ठीक है, और बात रही पेंटामीटर की, तो जो सोनेट 40 लाइंस की पोयम लिखी जाती है दोस्तों, इसमें ईच लाइंस जो होती है 40 लाइंस में, ईच लाइंस ऑफ 10 सिलेबस, जिसके प्रत्येक जो लाइन होते हैं वो 10 सिलेबस का होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टू सिलेबल्स होते हैं, टू सिलेबल्स इक्विवेलेंट होता है 1 मीटर का। गौर से देखिएगा, टू सिलेबल्स इज इक्विवेलेंट टू 1 मीटर।
सोनेट में 40 लाइंस और प्रत्येक लाइंस 10 सिलेबल का होता है, क्योंकि सोनेट मोस्ट ऑफ एन आयंबिक पेंटामीटर होता है, मींस दैट ऑन अ स्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड वन। ठीक है, आगे तो जो हमारा टू सिलेबल से दोस्तों हमने यदि केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा अंडर 10 तक, तो वहां पर हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था। ठीक है, वहां पर सर जब हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे होंगे, चाहे अल्केन है, एल्कीन हो या अल्काइन हो, तो हम लोगों को रूटवर्ड याद करने के लिए कहा जाता था, एक के लिए मोनो, दो के लिए मींस डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, सिक्स के लिए हेक्सा, सेवन के लिए ऑक्टा सॉरी या हेप्टा, एट के लिए ऑक्टा, नाइन के लिए नोना और टेन के लिए हमारा डेका। तो हमारा क्या मैंने बताया, वन मोनो, टू डाई, थ्री ट्राई, चार टेट्रा और पांच पेंटा। तो यहां से आया हमको पांच के लिए पेंटा। ठीक है, क्योंकि 10 सिलेबल्स का होता है और दो सिलेबल बराबर 1 मीटर है, तो दोस्तों हमको बताइए कि 10 सिलेबल में कितना मीटर होगा, 5, और 5 के लिए हम कौन से रूट वर्ड बताएं, पेंटा। तो यहां से बन गया या 1 के जगह पर 5 और यहां से लिखा मीटर। आयंबिक पेंटामीटर कैसे होगा ये तो मैंने पहले ही बता दिया, आइए अब बात करते हैं यहां पर। तो ट्रेडिशनली सोनेट इज ए 40 लाइंस पोयम रिटेन इन आयंबिक पेंटामीटर, एक चीज विच अब जो 40 लाइंस की पोयम होती है, तो इसमें कुछ खास तरह के राइम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। राइम्स कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट जो जूलियस सीजर का, सॉरी एज यू लाइक इट का है, एज यू लाइक इट, ठीक है, एज यू लाइक इट प्ले का आपने वो फेमस सोनेट पढ़ा होगा, ब्लो ब्लो द विंटर वाइंड। वाइंड भी पढ़ते हैं, विंड भी पढ़ते हैं, कब वाइंड पढ़ेंगे कब विंड पढ़ेंगे, सब पोयम में क्या पढ़ेंगे ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें आप क्या देखते हैं, देखे थे ब्लो ब्लो द विंटर वाइंड, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड। तो हमारा वर्ड आया था वाइंड और दूसरे में आया था काइंड। तो दोस्तों वाइंड को यहां पर विंड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि के आई एन डी का उच्चारण किंड नहीं काइंड हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, जो फर्स्ट स्टैंजा का फर्स्ट टू लाइंस वो मैच कर गया। ठीक है ना, तो सोनेट सेवरल राइम स्कीम्स को मेंशन करता है। राइम स्कीम एक टर्म मैं आपको बताता हूं क्या होता है, राइम स्कीम मैं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। राइम स्कीम क्या होता है दोस्तों, तो राइम स्कीम एक पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, राइम स्कीम रिपीटेड साउंड का, रिपीटेड साउंड का एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स, ठीक है, अल्फाबेट, तो पूरे 26 एक इंग्लिश अल्फाबेट है और इस इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स, ठीक है, तो हम इस लेटर्स का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम कह सकते हैं कि उसका राइम स्कीम तैयार करते हैं। जैसे किसी पोएट्री का ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए बी, ए बी लाइक इट, कौन क्या होता है मैं अभी डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं, मैं अभी थोड़ा सा थोड़ी देर में मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। ठीक है ना, आइए दोस्तों, तो हम क्या कर रहे हैं, सोनेट इज अ 40 लाइंस पोएम रिटेन इन आयंबिक पेंटामीटर व्हिच इंप्लॉय एज इंप्लॉय several rhyme schemes and several rhyme schemes and
फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चर्स, एक खास तरह के स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर हम पैटर्न्स की बात करेंगे, ठीक है, इस तरह के पैटर्न्स की बात करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, सोनेट होता है, समझ में आ रही है दोस्तों, ये हमने समझ लिया सोनेट। सोनेट इज अ 14 लाइंस पोयम ऑफन रिटन इन आयाम्बिक पेंटामीटर विच कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल राइम स्कीम्स और पैटर्न्स, इसमें कई तरह के पैटर्न्स होता है दोस्तों। सोनेट लिखने में जो सबसे बड़ा नाम आता है और जहां से शुरुआत होती है, वेयर इज माय डस्टर, ठीक है, चलिए दोस्तों मैं याद आ गया आपके पास। तो सोनेट लिखने का में जो सबसे पहले आता है, तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था फाउंडर एंड फादर इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है दोस्तों। तो हमने बताया था कि फाउंडर ऑफ सोनेट, यदि ये वाला वीडियो को नहीं देखते, इस पर मैंने 5 वीडियो बनाया है फादर एंड फाउंडर एंड फादर्स इन इंग्लिश लिटरेचर पर। तो उसमें मैंने बताया था कि फाउंडर ऑफ सोनेट पेट्रार्क थे, जो कि एक इटालियन पोएट थे। लेकिन जब हमने बताया था इंट्रोड्यूसर ऑफ सोनेट, तो याद कीजिए हमने बताया था नाम थॉमस वाट। आपको नहीं याद है दोस्तों, आप जाकर जरूर उस वीडियो को देखें, ठीक है। आइए हम कुछ और बातें करेंगे आपसे। तो जो सोनेट हुआ बेसिकली, और दो मेजर इसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं सोनेट का। दो मेजर क्लासिफिकेशन जो हमें देखने को मिलता है, वह मेजर क्लासिफिकेशन क्या है दोस्तों, ये हमें जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो हमें सोनेट देखने को मिले, वो सोनेट का हमारा नाम है इटालियन सोनेट, ठीक है। क्या नाम दोस्तों, इटालियन सोनेट, याद रहेगा, जी हाँ, क्या ये नाम रहेगा, इटालियन सोनेट, क्या है, इटालियन सोनेट, ITALIAN, इटालियन सोनेट, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहला हमें सोनेट जो देखने को मिला वो है इटालियन सोनेट, याद रखिएगा। होगा जो दूसरा सोनेट देखने को हमें मिलता है दोस्तों, वो है हमारा इंग्लिश सोनेट, गौर से देखिएगा, दिख रहा होगा आपको, जी हाँ, इंग्लिश सोनेट, क्या है हमारा, इंग्लिश सोनेट, जी हाँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, इंग्लिश सोनेट। अब हमें समझना है कि इटालियन सोनेट क्या होता है, तो हम आपको डिफिनेशन नहीं मैं बता देता हूं, और हम डिफिनेशन भी मैं लिखवा दूंगा इटालियन सोनेट का। तो इटालियन सोनेट इज ए काइंड ऑफ सोनेट, गौर से सुनिएगा, इटालियन सोनेट इज ए काइंड ऑफ सोनेट मेड अप ऑफ टू स्टांजास। दोस्तों एक सवाल उठता है कि व्हाट इज अस्टांजा, तो अस्टांजा इज ए ग्रुप ऑफ लाइंस यूज्ड इन ए पोएट्री दैट क्रिएट्स अ रिदम और यूनिट ऑफ ए पोएम और पोएट। पोएट्री में जो ग्रुप ऑफ लाइंस होता है, जो कहीं ना कहीं एक रिदम का यूनिट तैयार करता है, वो कलेक्शंस होता है दो लाइंस का, जो आपस में एक खास रिदम से यूनिट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उस तरह के ग्रुप ऑफ लाइंस, जिसको हम अस्टांजा कहते हैं। और यही ग्रुप ऑफ लाइंस रोज की बात करते हैं, तो जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ। तो दोस्तों ये भी आपने टर्म समझ लिया, व्हाट इज अस्टांजा एंड व्हाट इज पैराग्राफ। सिंपली वी कैन से ग्रुप ऑफ लाइंस इन पोएट्री इज टर्म एज अस्टांजा, ग्रुप ऑफ लाइंस इन प्रोज स्टोरी दैट आर कंसीडर्ड पैराग्राफ। बढ़ते हैं दोस्तों, इटालियन सोनेट इज मेड अप ऑफ टू अस्टांजा इन विच द फर्स्ट अस्टांजा ईच ऑफ 8 लाइंस कॉल्ड ऑक्टेव। तो दो बातें याद रखना, जो इटालियन सोनेट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑफ टू काइंड्स, राइट, इन विच द फर्स्ट 8 लाइंस कॉल्ड ऑक्टेव आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ओके, that creates lots of questions in the mind of a poet,
एंड दैट फर्स्ट एट लाइन विच वी आर कॉलिंग ऑक्टेव इज फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ सिक्स लाइन्स फॉलोड बाय सिक्स लाइन्स कॉल्ड सिस्टेट SSTEP इज कॉल्ड सिस्टेट. तो व्हाट इज mean by Italian sonnet? Italian sonnet is a kind of sonnet that is made up of two stanza in which the first eight stanza called octave is followed by the six lines called sestet. दोस्तों जो octave होता है its rhyme scheme is easy to remember. Rhyme a scheme of octave. Very simple. We have to remember ABB. ABB. Remember? ABBA. यानी four lines से हमको याद रखना है. ABBA. मैं आपको एक पोयम बताऊंगा. फिलहाल वो पोयम हमारे पास अवेलेबल नहीं है. आप जाकर देखिए. हम लोगों ने देखा था जॉन मिल्टन की एक पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस जिसका टाइटल था पुरुमे व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माय लाइट इज स्पेंट. दोस्तों गौर से सुनिए. जो ऑक्टेव होता है एक लाइन की इसकी जो फर्स्ट लाइन स्कीम ए है जो लास्ट साउंड ए होगा और जो नेक्स्ट टू लाइन से वो एक साउंड सेंड करेगा एंड द लाइन फोर्थ एंड फिफ्थ रिपीटेड विद द सिंगल साउंड ऑफ द ए एंड द सिक्स्थ एंड सेवेंथ लाइन रिपीटेड टू सेकेंड एंड थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज वंस अगेन रिपीटेड टू द फर्स्ट वन. तो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ ऑक्टेव. डिड यू रिमेंबर? डेफिनेटली डियर. ए बी बी A means A double B A A double B A. ये line scheme कहलाएगा हमारा Italian sonnet में या octave का. जो follow होता है दोस्तों sestet इसका line scheme बहुत आसान है. सिर्फ क्या करना है C D C D C D. ठीक है. कभी कभी दोस्तों क्या होता है ये D differ करता है E के थ्रू. But most often we have to remember C D C D C D. Come back to this. आप सीडी जो इस्तेमाल करते हो कैसेट वगैरह देखने के लिए उससे आप यूज कर सकते हैं. तो ये याद करना हमें टेंशन नहीं था. बी तक पहुंचे थे सीडी फिर सीडी. क्लियर है दोस्तों? यस. मुझे नहीं लगता है कि राइम स्कीम. देखिए मैं बोलकर आपको दिखाता हूं. ऑक्टेव में एट लाइंस ए बी बी ए ए बी बी ए ए डबल बी ए ए डबल बी ए. ठीक है. अब दोस्तों जो इटालियन सोनेट है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? तो जो इटालियन सोनेट मैंने एक क्वेश्चन अभी अभी बताया था कि जो फाउंडर ऑफ सोनेट जिनको कहते हैं वो साहब है पेट्रार्क. और पेट्रार्क चूंकि इटली के रहने वाले थे और इस तरह के सोनेट को जिसने पहली बार जो व्यक्ति थे फस्की हम कह सकते हैं फस्की composed by an Italian poet and whose name is Petrarch. क्या नाम है दोस्तों इनका? Petrarch. क्या नाम है? Petrarch. That's why Italian sonnet is also known as Petrarchan sonnet. अर्थात सोनेट दो तरह के. एक पेट्राकन बिकॉज द पोएट पेट्राक बिलोंग टू इटली और इसीलिए हम इस सोनेट को कहते हैं इटालियन सोनेट. तो हमने सीखा दोस्तों कि इस सोनेट का और क्या नाम है? पेट्राकन सोनेट या हम इसको कहेंगे इटालियन सोनेट. बढ़ते हैं दोस्तों हमारे पास जो दूसरा टर्म है वो है हमारा इंग्लिश सोनेट. तो आइए इंग्लिश सोनेट समझना भी हमारे लिए काफी आसान होता है. इंग्लिश सोनेट की खासियत क्या है हमारे पास कि जो इंग्लिश सोनेट होता है दोस्तों दैट इज मेड अप ऑफ फोर स्टंजा.
अब्स्टांजा प्लूरल फॉर्म में मेंशन करेंगे। तो इंग्लिश सोनेट इज ए काइंड ऑफ सोनेट दैट कंसिस्ट्स ऑफ फोर अब्स्टांजास इन व्हिच द फर्स्ट थ्री अब्स्टांजा ऑफ फोर लाइंस कॉल्ड क्वार्टेट इज फॉलोड बाय अ कपलेट हैविंग टू लाइंस। याद है दोस्तों, आइए कैसे हम लोग समझते हैं। जो इंग्लिश सोनेट होती है ना, ये चार अष्टांगा की होती है। सर लैंग्वेज बहुत जल्दी बोल दें जी, देखिए आप धीरे धीरे डिफिनेशन में आपको याद करा देता हूँ। इसको बोलना है कि इंग्लिश सोनेट इज ए काइंड ऑफ सोनेट, गलती से याद करो, इंग्लिश सोनेट इज ए काइंड ऑफ सोनेट दैट इज मेड अप ऑफ फोर अष्टांगा और दैट कंसिस्ट्स ऑफ फोर अष्टांगा। किसी तरह से आप लिखो फोर अष्टांगा, इन विच जिसमें The first three astanja होता है, first three astanjas of four lines called quatrain, quatrain। तो आपको मैथमेटिक्स आते हो ना दोस्तों? जी हाँ, जी हम आपसे पूछेंगे कि आपको मैथमेटिक्स आती है भी है या नहीं। It is followed by a astanja having two lines called कपलेट। कपलेट नहीं कहते हैं भाई, कपलेट है, स्पेलिंग देखो ना, COUPLET। क्या याद रखेंगे हम लोग? कपलेट, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या कहा कि थ्री अष्टांगा ऑफ फोर लाइंस, तो थ्री अष्टांगा ऑफ फोर लाइंस फॉलोड बाय ए कपलेट मींस टू लाइन, थ्री इंटू फोर प्लस टू इज इक्वल वैलेंट टू 14। लगता है मैंने भी मैथमेटिक्स पढ़ा था। 14 आ गया दोस्त। यहाँ पर देखते हैं octave 8 lines, 16 6 lines, 8 और 6 होते हैं 14। सोनेट का डेफिनेशन ही है 14 lines poetry, 14 lines poetry जिसको हम कहते हैं दोस्तों सोनेट। ये क्लियर हो गया। अब इस तरह के जो सोनेट इंग्लिश सोनेट आया तो आप देख रहे हैं कि 16th सेंचुरी में टाइम रहेगा हमारा एलिजाबेथन एज 1558 से लेकर के याद है ना 1603 तक। इस टाइम में दुनिया को एक ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट मिला जिसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा और नाम आपको पता है विलियम शेक्सपियर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के सोनेट को ट्रेडिशनली सेलेक्ट करके अब तक जो भी राइटर थे वो पत्रा को फॉलो करते थे, शेक्सपियर साहब ने आया और इस तरह के कस्टम को, ये जो ट्रेडिशन चलती आ रही थी उसको तोड़ करके एक नई सोनेट का उद्भव किया जिस सोनेट को हम इंग्लिश कहते हैं। भला कौन नहीं जानता है बार्ड ऑफ एवन जिसको हम लोग विलियम शेक्सपियर को कहते हैं। ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड, ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड, दैट्स व्हाई इंग्लिश सोनेट इज आल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट बिकॉज शेक्सपियर वाज फ्रॉम इंग्लैंड। तो इंग्लिश सोनेट का दूसरा नाम क्या मिल गया दोस्तों? शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है। अब हमको एक बात और याद रखने की जरूरत है। चलिए ये गंदा लगेगा, ये देखिए आपको शेक्सपियरियन सोनेट दिखाई दे रहा है। अब हमें देखना है कि जो थ्री अष्टांगा का राइम स्कीम कैसे होता है। दोस्तों बहुत आसान है राइम स्कीम याद करना। तो जो हमारा क्वाट्रेन होता है वो ए बी ए बी, यानी फर्स्ट दो लाइन जो है फर्स्ट राइम स्कीम जो फर्स्ट अष्टांगा का होगा वो रिपीटेड होगा थर्ड से और सेकंड रिपीटेड होगा फोर्थ से। तो फर्स्ट थ्री अष्टांगा, तो फर्स्ट अष्टांगा का राइम स्कीम हो गया ए बी ए बी और फर्स्ट अष्टांगा थ्री अष्टांगा कितने दो होते हैं? फोर लाइंस। तो फोर लाइंस इक्वल टू क्वाट्रेन, फिफ्थ लाइन की पोएट्री सीक्वेंस, सिक्स लाइन की याद है आपको? यस सिस्टेड। सेवन लाइन की पोएट्री राइम रॉयल, एट लाइन की पोएट्री ऑक्टेव, नाइन लाइन की पोएट्री जल्दी से बताइए स्पेंसरियन अष्टांगा, थ्री लाइंस की पोएट्री तेरजा रोमा, टू लाइंस की पोएट्री कपलेट, एक लाइन की पोएट्री होती है आइए। तो फर्स्ट अष्टांगा का जो राइम स्कीम होता है ए बी ए बी। अब जो सेकेंड अष्टांगा होगा क्वाट्रेन का और दो बढ़ जाएगा, बी तक पहुंचे हैं, यहां पर बढ़ेगा सी डी सी डी।
तो हमको 8 लाइन हो गया। हमको कितना तक पहुंचना है, 3 × 4 = 12 तक, तो हम यहां पहुंच गया हूं। फर्स्ट स्टैंजा क्या एबी एबी सीडी सीडी, क्योंकि फर्स्ट थ्री स्टैंजा प्रोनाइंस होता है, क्वार्टर होता है जो कपरेट के द्वारा फॉलो होता है, तो एबी एबी सीडी सीडी, और जो हमारा थर्ड स्टैंजा होगा जो फोर लाइंस का क्वार्टर होगा, ये याद रखना ईएफ ईएफ। तो कितना आसान है, एक एक स्टेप बढ़ते चलना है हमें, एबी एबी सीडी सीडी ईएफ ईएफ। अब जो कपलेट होता है ये बेचारा दो लाइन का है, तो इसको कहते हैं डबल जी। सुनिए जी, सुन रहे हैं, तो इसको कहना है डबल जी यानी जी जी। तो दोस्तों ये था राइम स्कीम हमारा, क्या एक्सपीरियंस यूनिट का। मैं आपको और भी एक बातें बताना चाहूंगा कि अब इन सोनेट्स के अतिरिक्त दोस्तों कुछ ऐसे भी सोनेट्स लिखे गए, उम्मीद है आपने इस चीज को नोट कर लिया होगा, जो और इनसे हटकर लिखी गई। तो हम अदर फॉर्म्स ऑफ सोनेट की बात कर रहे हैं आपसे, अदर फॉर्म्स ऑफ सोनेट। तो अदर फॉर्म्स ऑफ सोनेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट देखने को हमें मिलेंगे, तो दो तो हम भाई भूल ही नहीं सकते हैं, पेट्रार्क साहब को और शेक्सपियर को। तो हम पहले नोट कर लेते हैं इन दोनों को, पेट्रार्क पेट्रार्कन सोनेट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को बातें करना है शेक्सपियर शेक्सपियरियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है। जो नेक्स्ट हम देखे मिल्टन साहब ने भी लिखे पोएम, इसलिए इनके सॉरी सोनेट पोएम कह सकते हैं, क्योंकि सोनेट एक पोएम होता है। तो मिल्टन साहब ने जो लिखा इसको हम लोग कहते हैं मिल्टोनिक सोनेट, ठीक है। अभी अभी मैं बता रहा था 99 पोएट्री जिसको स्पेंसरियन स्कंडा कहते हैं, तो इडमंड स्पेंसर जिसको हम लोग मॉनिक स्टार के नाम से जानते हैं, इन्होंने लिखा है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेंसरियन स्कंडा, सॉरी या स्पेंसरियन स्कंडा भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए एक तीन लाइन की रिदम होती है, मैंने अभी भी बताया था, जिसको हम लोग कहते हैं टेरसेट, और टेरसेट को ही हम लोग कहते हैं टेरिजा रीमा सोनेट। और एक अगला हमें फॉर्म दिखाई देता है जिसको हम जैपनीज पढ़ते हैं, कि सारा चीज मैंने डिस्कस किया है, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और एक होता है हमारा कटरल सोनेट, ठीक है ना, कटरल सोनेट। दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि मैंने ये जो इस तरह के जो आपको काइंड्स बताए और इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी, चलिए दोबारा यहाँ पर नाम भी मिलता गलत है, ये अलग सिक्स तरह के पढ़ने हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इसी उत्साह के साथ, इसी जुनून के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, थैंक यू।